अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटीरा राष्ट्रीय सचिव और उदयपुर संभागरा प्रभारी तरुण कुमार अनिदना मेवाड़ संभागरा दौरा पे है। उदयपुर आया तरुण कुमार कियो कि राजस्थान में पहला जैसी तस्वीर नहीं है। जब कांग्रेस री सरकार ही तो मुफ्त में दवाया मिलती ही, लेकिन आज परिस्थितियां उल्टी है। आज जनता पग पग माते परेशान वेरी है और भाजपा सरकार झूठा दावा और झूठा वादा करने लोगा ने बेवकूफ बनाई है। कांग्रेस संगठन री मीटिंग लेवा उदयपुर आया तरुण कुमार पत्रकारों वार्ता करता लगा कियो कि राजस्थान रे भड़े गुजरात में बाढ़ आई तो प्रधानमंत्री वटे गया, क्योंकि गुजरात में आवाला टेम में चुनाव वे वाला है। अंडे विपरीत राजस्थान में चुनाव में आल टेम बाकी है। अणि वाते वे राजस्थान में तीन जिला में बाढ़ आई वटे दौरो करवा नहीं गया। प्रधानमंत्री राजस्थान रे तीन जिला में भी दौरो करता और बाढ़ रे प्रभावित लोगों ने बड़ो पैकेज देता तो मानता कि सरकार आमजन रे लारे है। गरीबारा मसीहा बनवा वाला प्रधानमंत्री और भाजपा री सरकार जनता ने धोखो दे रही है। झूठ बोलना झूठी सरकारी योजनाएं गिनाई रही है। तरुण कुमार यो भी कहो कि केंद्र सरकार मौका परस्त है। अणि वाते बाढ़ प्रभावितारो जायजो लेवा नहीं गी। उदयपुर में प्रभारी रमेश मीणा भी राज्य सरकार माते जमकर प्रहार की दो और मुख्यमंत्री ने खूब घेरी। आज उदयपुर शहर और देहात की कांग्रेस के प्रमुख लोगों की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें आदरणीय राहुल गांधी जी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो हमारे AICC के कोऑर्डिनेटर्स हैं वो हर विधानसभा में लगाए गए हैं। उनकी आज पहले यहाँ पर बैठक थी और सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि पोलिंग स्तर तक जा करके संगठन को मजबूत करना है और जो आज हालात जो राजस्थान प्रदेश में बने हुए हैं, जिस तरीके से किसान व्यापारी और नौजवान और हर वर्ग जो जिस तरीके से परेशान है, हताश है, उसके लिए लोगों को बताना है कि किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकाल में सब कुछ अच्छा चल रहा था, अच्छी योजनाएं थी,